सर ऐसा है कि मैं कई सालों से, मतलब 32 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते आया हूँ। एक पक्ष के साथ मैं बिलोंग करता था और उसी पक्ष ने मुझे आज तक टिकट देने का वादा किया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और लोगों का एक इस बार जो जिन लोगों में मैं रहता हूँ, जिनके लिए काम करता हूँ, उनका जिनका बच्चा हूँ, नरेंद्र नगर का एक मैं पुत्र हूँ, तो और प्रभावाना नरेंद्र नगर है और उसमें चीज़ भवन आता है, अजनी आता है, जोगी नगर आता है, सुयोग नगर आता है, आपका पंचायती प्लॉट एरिया आता है, फूलमती नगर आता है। ऐसा बड़ा एक सीधा सिंपल अच्छा प्रभाग इस बार बना और जहाँ मेरा प्रभाव है ऐसा ही इलाका मुझे, ऐसा ही प्रभाग मुझे मिला। मैं चीज़ भवन में भी बिलोंग करता हूँ। पुराने पिछले बोबड़े जी थे, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। उनको जीतने के लिए मेरे बहुत ताकत लगा कि हमने नरेंद्र नगर से उनको वोट दिए थे। अजनी से मेरे बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे खेलते हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक लेक्चर हूँ और लोगों का कहना है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति आज समाज को बहुत दिशा दे सकता है। मैं कई सालों से लोगों का आधार कार्ड का काम मैंने लोगों को पूरे परिसर में करीब 2.5 से 3 साल मैंने आधार कार्ड लोगों को निकाल के दिया, राशन कार्ड निकालने का काम किया, स्मार्ट कार्ड निकालने का काम किया, चश्मा वाटप नेत्रदान शिविर लिया, चश्मा वाटप लिया, अंबेडकर जयंती, बौद्ध जयंती, हनुमान जयंती, शारदा महोत्सव, गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, जो भी सामाजिक कार्य इस समाज में लोगों के साथ होते हैं उनमें सबके साथ मैं हाथ से हाथ मिला के रहता हूँ। विशेष करके मैं स्पोर्ट्स वाला व्यक्ति हूँ, मेरा एक अपना विज़न है, मैं एक विज़न लेके चलता हूँ, वो विज़न लेके काम करता हूँ। आने वाले भविष्य का विचार करने वाला एक विज़न होना चाहिए, जिसमें मैंने अपने तरीके, मैंने मेरी सोच, पब्लिक की सोच मैंने अपने पास लिया हूँ, एक मतदाता की सोच मेरे पास लिया हूँ, जिसमें कि एक हर एक बच्चा आज भविष्य में नौकरी करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। तो लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पर वाईफाई फ्री हो, सेमिनार्स फ्री हो, मार्गदर्शक उन्हें मिले और एक मॉडर्नाइजेशन, ऐसी एक लाइब्रेरी अपने प्रभाग में चार पट्टे में हो, जैसा चार बटा हुआ है, तो चार डिजिटल लाइब्रेरीज अपने प्रभाग में हो, ये मेरा पहला प्रेफरेंस है। दूसरा, समाज भवन, जो एक बहुत बड़ा समाज भवन हो जिसमें शादी ब्याह हो, मुंज हो, तेरवी हो, सामाजिक कार्य हो, वहाँ कोई बच्चों को सेमिनार्स हो और शादी ब्याह हो, समारोह, तो इसके लिए एक समाज भवन होना चाहिए, जाके गरीब है, मध्यम वर्ग के लोग है, श्रीमंत लोग है, सारे को उसका उपयोग हो, मॉड वो भी एक आधुनिक हो, ताकि हर व्यक्ति को वहाँ एक समारंभ के लिए पैसा कम लगे। यहाँ ऐसा होता है कि एक आधे पक्ष का उम्मीदवार है तो दूसरा कार्यकर्ता वहाँ रहता है तो वहाँ काम नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसा उम्मीदवार होगा कि लोगों का उम्मीदवार होगा, अपक्ष उम्मीदवार रहूंगा, लोगों ने चुना हुआ उम्मीदवार रहूंगा, तो मैं लोगों के लिए काम करूंगा, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए काम नहीं करूंगा। मेरे अपोनेंट, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के तारीख में राजनीति में ये देखा जाता है कि जो मेरा अपोनेंट है उसने 5 साल में 3 साल अपना प्रभाग छोड़ दिया था, उसने घोषित कर दिया था लोगों को कि मुझे आमदार बनना है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाते हैं कि कौन है, और वो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे प्रभाग का नहीं है। प्रभाग में बाकी पक्ष के अन्य लोग हैं, प्रभाग के जैसा कांग्रेस है या बीजेपी है, बीएसपी है, जो भी पक्ष है, इनके पास खुद के 4 कैंडिडेट है, लेकिन पूरे प्रभाग में मेरे को अकेले को करना है, तो मेरे लिए लोग काम कर रहे हैं। मैं कई जगह नहीं जा पा रहा हूँ, हो सकता है मैं पहुँच जाऊँगा, मेरा पत्रक पहुँचेगा, फ़ोन पहुँचेगा, लोग पहुँचेंगे, लोग मुझे फ़ोन करके बुला रहे कि साहब हमें तुम्हारा समर्थन दे, तो हम तुम्हारे साथ है, तो इतने और संधि क्या मिलेगी। जो पिछला उम्मीदवार है लोगों को अरोगेंस बात करता है, अभी कुछ अफवाह भी फैलाना चालू किया कि प्राध्यापक हरीश मोहिते इनको हमने पैक कर लिया, मुझे पैक मतलब समझ में नहीं आ रहा, मैं डिब्बा तो नहीं हूँ, मुझे यहाँ डिब्बा बनाने की कोशिश नहीं करे। उनको एक मेरी चेतावनी इस माध्यम से कि अविनाश जी ठाकरे, आप मुझे डिब्बा मत बनाए, आपको बंडल बना के हम वापस भेज देंगे।